आप अपना खाना खाओ। मैं आप लोगों से एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। अभी एक साल हो गया इस बात को। एक साल पहले मैं मेरी एक फ्रेंड की शादी में गई थी, आई थिंक मार्च अप्रैल में। मेरे एक फ्रेंड की शादी में गई थी अप्रैल में, इरा का बर्थडे वाले टाइम पे जब मैं गई थी जयपुर तब। और अभी शायद 2-3 महीने बचे हैं अप्रैल में, और अब नेक्स्ट अप्रैल आने वाली है, मतलब ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है उनकी शादी को। और वो लड़का अभी, मतलब शादी वाले टाइम पे जब आया था, उसके विद इन सेवन डेज भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, आई थिंक शादी के दूसरे तीसरे दिन ही उसको निकलना था। ही इज़ इन मिलिट्री, तो उसकी ड्यूटी थी। या तो वो बंदा एक हफ्ते के अंदर चला गया शादी की, और अभी तक भी वो नहीं आया है। और अभी भी वो बोल रहा है कि मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल रही है, एक दो महीना और लगेगा। ऑलमोस्ट एक साल बाद आप उसकी नई शादी हुई है, और शादी के एक साल बाद वो अपनी बीवी से फिर से मिलेगा। ओह माय गॉड, अपनी फैमिली से एक साल, यार बहुत ज़्यादा होता है। मैं तो सुन के ऐसा हो गई थी, वो शिट यार, वो कैसे, मतलब हम लोग तो साथ में ही रह रहे हैं ना, तब भी हमें ऐसा लगता है कि यार हम दूसरे घर से आए हैं, और दिस एंड दैट, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और उस लड़की के लिए क्या, मैं तो सोच ही नहीं सकती हूँ, ये तो वो खुद ही एक्सप्लेन कर सकती है या नहीं कर सकती, आई डोंट नो। ऐसा लगता है कि दोनों ही एक तरीके की जंग पे ही है। बहुत बहुत हिम्मत चाहिए यार मिलिट्री वालों के लिए, ये जो जो हमारी इंडियन फोर्स है, जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है हर जगह, वो लोग हैं वहाँ पे, तो हम लोग जैसे शांति से अपनी अपना काम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि उनका उनका खौफ तो होगा ना दूसरी कंट्री को अंदर घुसने से। और ऐसे हम लोग को तो पता है कि पाकिस्तान है या कोई दूसरा कंट्री है, अफगानिस्तान, जो भी हमारी दुश्मन कंट्रीज हैं, उनको मौका मिले तो जब वो एकदम धड़ाके से अंदर घुस सकते हैं, तो हैट्स ऑफ। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Riddhi and today is Republic Day, 26th of January. और I know आज का दिन हर कोई सेलिब्रेट कर रहा होता है, पर मुझे अपना जो ध्यान है, मैंने लास्ट शायद स्कूल में सेलिब्रेट किया होगा, जब सारे बच्चे खड़े होकर नेशनल एंथम गा रहे होते हैं और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, स्कूल में ही मज़ा है उस चीज़ का। और मुझे ऐसा, मतलब पहले से एक एक्साइटमेंट होती है ना कि चलो कल 26 जनवरी है, तो मुझे ऐसा ध्यान है कि मेरी हर बार मॉर्निंग एक ये जो संदेशे आते वाले सॉन्ग से होती है। और आज भी मैं उठी थी, उससे पहले से मेरे सपने में ही ये सॉन्ग चल रहा था, संदेशे आते हैं, या कोई बजा रहा था, पता नहीं। मैं और इरा करेंगे आज कुछ, तो या तो मैं और इरा पेंटिंग करेंगे, या आई एम थिंकिंग कि हम फेस पेंटिंग करेंगे सेफ कलर से। स्काई बेटा मत करना, स्काई यू। ए शैतानी, ये वाला ऐसे कर। और मिट्टी खट्टी करो। छोटे मत कर। अबे आज तो इरा की स्कूल का भी ऑफ है, डे केयर का नहीं, तो कुछ तो एक्टिविटीज़ को घर पे करानी पड़ेगी, तो पेंटिंग ही करेंगे। और क्या है हमारे पास, क्ले से भी बना सकते हैं। हाँ, क्ले से बनाएंगे कुछ। यस, इरा को आजकल क्ले बहुत अच्छा लग रहा है। पापा अपना काम कर रहे हैं कुछ, आप और लगाओ। ए फॉर एप्पल,
आ आ आ ऐसे के फॉर के फॉर ऊपर ऊपर लगाओ, उल्टा लगाया सीधा लगाओ ऊपर। हाँ एन फॉर एन फॉर इरा एन फॉर ना 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 जी फॉर जू जू ज़ेब्रा। हाँ ज़ेब्रा भी होता है। और बी लगाओ, बी फॉर बटरफ्लाई लगाओ, वेर इज बी। क्या उठाया क्या लगाया, ये तो आपने कुछ और उठा लिया। टी फॉर टी फॉर हाँ एप्पल कहाँ ही रहा। हाँ क्या लगाया दिखाओ दिखाओ। ओ फॉर एप्पल। हाँ ओ फॉर ये क्या है दिखाओ क्या है दिखाओ सीधा करके दिखाओ। एस फॉर स्वान लगा दो। हाँ बी फॉर बॉल सीधा लगाओ सीधा। हाँ आई फॉर आई सीन। दिस इज यू फॉर अंकाला अंकाला। ई फॉर ई फॉर एलिफेंट। एम फॉर मम्मा 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 क्यों टू अरे बारे गिर गए। बॉल जी फॉर जू। एन फॉर एन फॉर दीदी अरे बाबा दीदी इरा की नीति। अच्छे मूड को भी खराब कर सकते हैं और एकदम खराब मूड को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा मूड आज थोड़ा खराब है और ईरा मेरे को चेयरअप कर रही है। मेरे को पता है इतना प्यार से हग करती है ना ये, मुझे एकदम ऐसे लगता है ओ शिट मुझे इतना जोर का हग ईरा मुझे बार बार कर रही है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है। यार ईरा यार कितनी बड़ी नौटंकी बन चुकी है ना, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ क्या क्या हरकतें करती है। अत्ता दी ये आप पता है ये मेरे को यहाँ फोरहेड पे किस करती है, कौन छोटू सा बच्चा करता है ये, कितना प्यारा बच्चा है छोटू तू यहाँ मत लगाओ, और मुझे गुस्सा भी इतना दिलाती है।
टिड्डी टिड्डी बोला मम्मा को टिड्डी। अब बात मत करना तुम टिड्डी। तुम टिड्डी, तुम टिड्डी, गंदा सा गंदा सा बच्चा। नहीं हो तुम गंदा सा बच्चा ही हो। नहीं नहीं हो तुम पक्का। पकौड़ा पकौड़ा, तुम पकौड़ा पकौड़ा, तुम पकौड़ा, मुझको पकौड़ा बोलती हो। पकौड़ा आई लव यू। व्हाई यू डोंट लव मामा? बच्चा बच्चा है। हाँ तू बच्चा तो है, छोटा सा बच्चा।
बिना बात के, बिना बात के, बिना बात के। कौन आया है? कौन आया?